नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं ओशिन और आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर प्रवास पर पहुंचे। उन्होंने जोधपुर की घटना को लेकर कहा, तत्काल प्रभाव से पुलिस ने न केवल पीड़िता का उपचार करवाया बल्कि आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं उन्होंने कहा कि उदयपुर की घटना भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, वहां शांति व्यवस्था बहाल किया जा रहा है। आगामी दिनों में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर कहा कि जोधपुर की जनता प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत को लेकर आतुर है। अनेक त्योहारों की, उत्सवों की परिकल्पना की गई थी और त्योहारों की इस सुदीर्घ श्रृंखला में रक्षाबंधन का त्योहार एक कौस्तुभ मणि के रूप में है। हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने जो कोई भी देता है उसको देवता मान करके पूजा करने का विधान किया था। धरती से लेकर के, जल से लेकर के, वायु से लेकर के, गौ माता जो हमें दूध देती है से लेकर के पेड़ पौधे जीव जंतु हरेक को देव के रूप में स्वीकार करने का विधान किया गया था। जी मनोहर, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी मनोहर, आपका स्वागत है। हमारे संवाददाता मनोहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मनोहर, आप तक आवाज जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है जी। देखिए मैं बताऊंगा जी। देखिए केंद्रीय मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने जोधपुर प्रवास के दौरान सबसे बड़ी बात है, अभी हाल ही के अंदर दो दिन पहले जो 2.5 वर्षीय बच्ची के साथ जिस तरह से दरिंदगी हुई उस पर स्पष्ट तौर पर शेखावत ने कहा है कि हमारी सरकार आम जनता को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है और उसी की तर्ज पर हमने बहुत जल्द पीड़िता का उपचार भी कराया है और 24 घंटे के अंदर अंदर जो है हमने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और बहुत जल्द इसको पीड़िता को न्याय मिलेगा, ऐसी उन्होंने शेखावत ने कहा है। इसके साथ साथ शेखावत ने यह भी कहा है कि जो उदयपुर के अंदर घटना हुई है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और उसको लेकर भी उन्होंने घटना को लेकर विशेष रूप से कहा है कि जल्द ही कहीं ना कहीं जो है पीड़ित है उनको न्याय मिलेगा। जी आशीन जी मनोहर, राजस्थान में इस तरह की बार बार घटनाएं घटित हो रही हैं, तो इस पर लेकर क्या कुछ ऐसी घटनाएं जो पूर्व में घटित हुई थी उस पर सरकार ने सही कदम नहीं उठाए, उसके बावजूद इसके बाद आज भी देखे जा रहे हैं इस तरह की जो जघन्य अपराध बच्ची के साथ हुई या फिर उदयपुर की घटना घटित हुई, तो क्या इसमें सरकार की नाकामी कही जा सकती है? वहां के जनता का के क्या विचार है, उनसे आपने क्या बात की? देखिए निश्चित तौर पर आसीन ये स्पष्ट है कि जिस तरह से जोधपुर में ठीक आज से 13 महीने पहले इसी तरह का एक वाक्य देखने को मिला था और वो भी अभी तक न्यायालय के अंदर पेंडिंग है और आम जनता के अंदर आक्रोश है और उस आक्रोश को लगभग कहीं ना कहीं देखा जाए तो निश्चित तौर पर आम जनता के मुंह से ये शब्द निकले कि ऐसे दरिंदे को फांसी के तख्ते तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे जो ये जो इस तरह की घटनाएं हैं और देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले काफी समय से इस तरह की घटनाएं जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इसको कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए ऐसे दरिंदों को फांसी पर लटकाना बहुत जरूरी है। जी आसिम जी, अब बात नहीं फांसी होगी ऐसा जनता का कहना है। बहुत शुक्रिया मनोहर आपका हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भजनलाल सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उदयपुर की घटना ने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया है। स्कूल के 15 वर्ष के बच्चे देवराज की मौत से राजस्थान की भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर पोल खुल गई है। रोजाना लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। जोधपुर में 2 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। खाचरियावास ने कहा कि उदयपुर के छात्र देवराज के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और उसके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी भाजपा सरकार को देनी होगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार के समय इस तरह की घटनाओं में बीजेपी के नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें करके पूरे प्रदेश का माहौल बिगाड़ते थे। उन्होंने प्रदेश के लोगों से शांति व्यवस्था की अपील करते हुए भाजपा सरकार को अपील किया है कि देवराज के परिवार को तुरंत 1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी की व्यवस्था करे और प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था
को संभाले, जिससे प्रदेश में अमन चैन स्थापित हो सके, क्योंकि लोगों में दहशत का माहौल है। जी, इस वक्त रूप नारायण सवरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी रूप नारायण, देखिए यहाँ पे जो है पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राजस्थान की वर्तमान भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार जब से बनी है तब से जो है राजस्थान के हालात बिगड़े हैं। यहाँ की जो है कानून व्यवस्था है वो चरमराती गई है। चाहे वो जोधपुर में दो वर्षीय बच्ची के बलात्कार का मामला हो, या फिर उदयपुर में देवराज की हत्या का मामला हो, या फिर जयपुर में ही जो है एक रिक्शा और स्कूटर वाले लड़ाई के मामले में जो है उसकी हत्या का मामला हो, तो कहीं ना कहीं जो है राजस्थान में जो बीजेपी सरकार है उसके टाइम पे जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा गई है चारों तरफ से। और यहाँ पे जो है उन्होंने सीधी अपील की, जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि जनता को शांति बनाए रखनी है। साथ ही जो है उन्होंने कांग्रेस से मांग की है कि जो देवराज की मरा है उसके जो परिजन है उन्हें 1 करोड़ रुपया दिया जाए, उनको जो है सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार में जब ऐसा घटना होती थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो है काफी हंगामा करते थे और रोड पे आके जो है संघर्ष करते थे। तो वही बात यहाँ पे पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दोहराई है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती नहीं है। जब उन्होंने जो उन लोगों के टाइम पे ये हालात है तो उन्हें जो है वो चीजें जो मांग रही थी उनके टाइम पे वो यहाँ पूरी करनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए जो है को मिलने चाहिए, साथ ही में जो है एक सरकारी नौकरी जो है उनके परिजनों को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने सीधा निशाना साधते हुए मांग भी की है कि परिजनों के साथ जो है सहानुभूति पूर्वक सरकार जो है विचार करे और उनकी मांगों को पूरी करे। जी ओसिन जी, रूप नारायण, पहले राजस्थान में इस तरह की घटनाएं जो देखी जा रही है बार बार, जैसे पहले कन्हैयालाल हत्याकांड देखा गया या फिर अब देवराज या इस तरह की छोटी बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध हो रहा है, ये राजस्थान के वजह के अंदर इस तरह की जो जघन्य घटनाएं हो रही हैं, अब ये सियासी मुद्दा बनते जा रहा है ये कि भाजपा सरकार या फिर के कांग्रेस सरकार इस तरीके से सियासी मुद्दा बनते जा रहा है, लेकिन आम जनमानस की तरफ सरकार किस तरीके से प्रेरणाशील है, प्रेरितशील है कि किस तरीके से इस तरह के जघन्य अपराधों को रोका जाए, ना कि सियासी खेल का मुद्दा बनता जाए इस तरह के अपराध। देखिए वसीम, ये जो है कांग्रेस हो चाहे भाजपा सरकार हो, अपराध जो है होते हैं और अपराध होने के बाद जो है लगातार पार्टियां विरोध करती हैं और विरोध को लेकर जो राजनीति होती है। यहाँ पे जो दोविड़ी घटना है कि आपने जिक्र किया यहाँ पे कि उदयपुर में जो है पहले एक बड़ी घटना हुई थी कन्हैयालाल मर्डर केस, तो उसमें भी काफी राजनीति हुई थी। और अब के जो ये देवराज वाला मामला है इसमें भी जो है पार्टियां आमने सामने है। कांग्रेस ने यहाँ बड़ा मुद्दा उठाते हुए जो है राजस्थान की कानून व्यवस्था को लचर कानून व्यवस्था घोषित करते हुए कहा है कि वर्तमान सरकार जो है इस पे ध्यान दे, पुलिसिंग पे ध्यान दे और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास करे। जी होसेन जी, रूप सवरिया, आपके इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी खबरों पर आपका रुख करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की मातृशक्ति के साथ रक्षाबंधन मनाया। देवनानी को सैकड़ों महिलाओं ने राखी बांधी और राखी भाई बनाया। देवनानी ने भी बहनों को मिठाई और उपहार के साथ रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने का वादा किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि अजमेर की प्रत्येक महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, इसके लिए दिन रात प्रयास भी किए जा रहे हैं। सुरक्षा के मुद्दे पर अजमेर की महिलाएं निसंकोच अपनी बात उन्हें कह सकती हैं। उन्होंने कहा कि अजमेर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिसिंग को और बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले दिनों अजमेर पुलिस को निर्देश दिए गए कि गश्त को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। सुबह, दोपहर, शाम और रात प्रत्येक क्षेत्र में नियमित गश्त हो। चैन, स्नैचिंग, चोरी और मनचलों के विरुद्ध जीरो टॉलरिंग की नीति अपनाई जाए।
अजमेर में हरिबाव उपाध्यक्ष नगर में एक नया थाना भी स्वीकृत हुआ है। इसी तरह अजमेर में सुरक्षा के लिए अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी व रोहिंग्याओं की धरपकड़ भी की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र में तैनात महिला और पुरुष सिपाहियों के साथ भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया। उन्होंने कहा कि अपने घर परिवार से दूर रह रहे जवान हमारे रक्षक हैं। इन्हीं के कारण हम बेफिक्र होकर रहते हैं। हमें इन जवानों पर गर्व है। जी, इस वक्त हमारे साथ रूप नारायण सावरिया है। जी रूप नारायण, देखिए उसमें यहाँ पे जो है विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने एक बड़ा काम किया है और अच्छी पहल की है कि काफी संख्या में जो है अजमेर की औरतें वहां पे पहुंची है और उन्होंने जो है वासुदेव देवनानी को राखी बांध के जो है अपना भाई माना और राखी बांध भाई बनाने के बाद जो है देवनानी ने तमाम महिलाओं से ये वादा किया है कि वे सदैव उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर रहेंगे, किसी तरीके की जो है उन्हें परेशानी नहीं होने देंगे। लगातार जो है उन्होंने यहाँ पे पुलिस व्यवस्था का भी हवाला दिया कि पुलिस व्यवस्था में जो सुधार की गुंजाइश है वो सुधार करेंगे, चाहे वो सुबह का हो या दोपहर का हो या शाम का हो, पुलिस जो है लगातार अपनी ड्यूटी पर रहेंगे, वो सतर्क रहेंगी। पुलिस तमाम क्षेत्र की महिलाओं को उन्होंने यहाँ विश्वास दिलाते हुए कहा कि उनकी जो भी समस्या होंगी वो सीधे जो है वासुदेव देवनानी जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनसे बात कर सकती हैं, उनको अपनी परेशानी बता सकती हैं और वो कोशिश करेंगे कि उनकी हर परेशानी का जो है वो हल कर सके एक अच्छा भाई बनकर। क्योंकि देखिए राजस्थान में परिपाटियां शुरू हो गई है, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हो उन्होंने भी जो है वीरांगनाओं से राखी बंधवाई है और उनकी सुरक्षा का यहाँ वादा किया है। उसी परिपाटी को चलते हुए यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष ने भी तमाम अजमेर की बहनों को जो वहां उपस्थित थी उनसे राखी बंधवाया और राखी बंधवाने के बाद उन्हें सुरक्षा का आह्वान किया कि वे उनकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और लगातार प्रयास करेंगे कि वो अपनी बहनों को सुरक्षित रख सके। जी ओसिन, जो उम्मीद है सरकार द्वारा इस उठाए गए सराहनीय कदम से राजस्थान में जो हमारी बहनें हैं उनको जरूर सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हम आगे भी आपका रुख करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्री गजेंद्र राठौर ने मटोरिया भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। राठौर ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार ने अल्प समय में ही अपने संकल्प पत्र के 45% वायदे पूरे कर लिए हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था निरंतर आगे बढ़ रही है। पहले बजट में सरकार ने प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित करने का काम किया है। राजेंद्र राठौर ने कहा कि सरकार आने वाले समय में 4 लाख नौकरियां देंगी। पेपर माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। राजस्थान में पर्ची सरकार होने के सवाल के जवाब में राठौर ने कहा कि विपक्ष के लोग हार नहीं पचा पा रहे हैं, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कोई पर्ची की सरकार नहीं है बल्कि कार्यकर्ताओं की सरकार है। भाजपा की खूबी है कि साधारण कार्यकर्ता भी उच्च पद पर हासिल कर सकता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। जी रूप नारायण सावरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूप नारायण सावरिया बताइए क्या अपडेट है इस पहल पर, इस तरह की जो देखिए उसे यहाँ पे जो है मैं लगातार कहना चाहूंगा कि पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं में एक यहाँ पे किया लगातार उन्होंने जो है अपनी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार का काम को यहाँ बखान करते हुए कहा कि उनके जो वादे थे जो उन्होंने चुनावी समय जो वादे किए थे उनमें से लगभग 45% वादे जो है इस सरकार ने पूरे कर दिए। लगातार जो है युवाओं को रोजगार देने की बात हो या महिला सुरक्षा की बात हो या अन्य तमाम मुद्दे हो उन पर लगातार जो है वर्तमान भाजपा सरकार काम कर रही है और यहाँ पे जो है कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मान है। चूंकि ये विपक्ष जो है कांग्रेस जो है इस पे ये आरोप लगाती रही कि पर्ची सरकार है, लेकिन पर्ची सरकार ना हो कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है आम कार्यकर्ता का सम्मान है और इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है कि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा वो एक आम कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो इसी तरीके से यहाँ पे हर कार्यकर्ता का सम्मान है। हर कार्यकर्ता को जो काम कर रहा है पार्टी के लिए, जो प्रदेश हित के लिए काम कर रहा है, उसे कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी और लगातार जो है सम्मान देती रही है और इस सम्मान के साथ जो है उन्होंने यहाँ पे दावा किया कि ये जो है पर्ची सरकार नहीं है बल्कि ये कार्यकर्ताओं की सरकार है। लगातार कार्यकर्ताओं में उत्साह बनने का काम यहाँ पे जो है पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर ने किया है। जी ओसिन, ठीक है रूप नारायण इस खबर पर जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।
खबर हनुमानगढ़ से है, जहां उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगा मेड़ी मेले का विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ हुआ, जिसमें राजस्थान सरकार के पशुपालन और देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम कुमावत और भादरा विधायक संजीव बेनीवाल ने पूजा अर्चना के बाद राष्ट्रीय ध्वजारोहण कर मेले की शुरुआत की। इस मौके पर स्कूली छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय गान और गोगा मेड़ी पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों ने सशस्त्र सलामी दी। कैबिनेट मंत्री ने गोगा जी महाराज मंदिर में गोगा जी की समाधि पर चादर चढ़ाकर गोगा मेड़ी मेले के सफल संचालन की प्रार्थना की। समारोह को संबोधित करते हुए देवस्थान विभाग और पशुपालन मंत्री ने बताया कि गोगा जी के मेले में श्रद्धालुओं के लिए विश्राम के लिए छाया, सफाई, सुरक्षा, पेयजल सहित अन्य सभी प्रकार की व्यवस्थाएं प्रशासन ने की है। सुरक्षा की दृष्टि से मेले में चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पूरे मेला क्षेत्र में बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मंदिर के चढ़ावे की निगरानी के लिए गोगा जी महाराज मंदिर में एक विशेष रूप से कैमरा लगाया गया है। टोक के पीपलू से खबर है, जहां टोक में आफत की बारिश देखने को मिली है। भारी बारिश के चलते पानी के तेज बहाव के बीच पिकअप डूबती हुई नजर आई। दरअसल पीपलू बागड़ी मार्ग के तेज बहाव में एक पिकअप फंस गई। ड्राइवर ने पिकअप के ऊपर चढ़कर किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने एसडीआरएफ को बुलाया है। इससे पहले ही स्थानीय ट्रैक्टर की मदद से चालक को बाहर निकाला गया। जोधपुर के रातानाड़ा क्षेत्र के एक हॉस्टल में एक छात्र नेता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के बाद बदमाशों ने मिलकर छात्र नेता की पिटाई कर डाली। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बदमाश बेरहमी से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। मारपीट में घायल हुए युवक को जोधपुर के पावटा सेटेलाइट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस घटना के वायरल वीडियो के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि छात्र नेता चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहा था। इस बार के यूनिवर्सिटी इलेक्शन के लिए अपनी दावेदारी भी करने के प्रयास में था। इसी के चलते दूसरे छात्र नेता उससे रंजिश कर रखने लगे। शाम को हॉस्टल में भी अन्य बदमाशों के साथ उनका विवाद हुआ। इस पर सभी ने मिलकर बेरहमी से पिटाई कर डाली। बदमाशों से बचने के लिए उसने एक कमरे में खुद को बंद कर जब जान बचाई। तीन वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुराचार के विरोध में जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में नई सड़क चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। शर्मसार करने वाली घटना के विरोध में अल्पसंख्यक विभाग द्वारा बलात्कारी का पुतला दहन किया गया। बलात्कारियों के घर पर बुलडोजर चलाने और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाए जाने की मांग को लेकर पुतला दहन किया गया। अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष ने बताया कि तीन वर्ष की मासूम बालिका के साथ बलात्कार की घटना बेहद निंदनीय है। भजनलाल की जो बीजेपी सरकार है उसका पुतला दहन किया है। कल जो हमारे मारवाड़ जोधपुर में जो एक संसार कर देने वाली जो घटना घटी है, उससे मानवता को छिन्न भिन्न कर दिया है। एक 3 साल की बच्ची का जो बलात्कार हुआ है, ये आज तक के इतिहास में मारवाड़ के इतिहास में कुछ नहीं। इसमें कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार की नाकामियाँ नजर आती हैं। उनका जो उनकी जो ग्रिप है सरकार प्रशासन पर, जो आपसी मतभेद मतभेद है उनके मंत्रालय में, ये ढील छूट जा रही है। तो ठीक है, हमारे राजस्थान की जो जोधपुर की जो पुलिस थी मुस्तैद थी, उन्होंने 12 घंटे के अंदर उस कातिल को जो जिसने ये घोर अपराध किया था गिरफ्तार कर लिया। चुरू में ट्रेनी नर्स से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। इस घटना से आहत नर्स ने जहर खा लिया। वहीं नर्स के बयान के आधार पर नर्सिंग ऑफिसर सुभाष चंद्र सिहाग के खिलाफ छेड़छाड़ करने और SCA ST की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले 20 वर्षीय प्रशिक्षु नर्स ने
नर्सिंग ऑफिसर की इन हरकतों की वजह से परेशान होकर घर में ही जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड करने का भी प्रयास किया था, जिसको गंभीर हालात में परिवार के लोगों ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया, मगर उसकी हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद आईसीयू में भर्ती किया गया। फिलहाल ट्रेनी नर्स का अस्पताल के आईसीयू वार्ड के इलाज में चल रहा है इलाज। इससे पहले डीएसपी सुनील झांझड़िया ने डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का मौका मुआयना भी किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग ऑफिसर सुभाष चंद्र सिहाग को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने प्रकरण संज्ञान में आने पर तत्काल प्रभाव से नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए थे। दूसरे एक अन्य जो मेल नर्सिंग स्टाफ है उसके खिलाफ 354 SST का मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें घटना स्थल का निरीक्षण कराया, बच्चे जहर इलाज में बच्चे की जान लिए जा रहे हैं, उसी के बीच में अनुसंधान पर। और राजस्थान स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।